फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके हो। आज का जो वीडियो, इस वीडियो में हम कंप्लीट मोल्ड के बारे में बताने वाले। तो ये मोल्ड जो है, मोल्ड की सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट दिखा देता हूँ, जो मेरा कंपोनेंट है, कंपोनेंट क्या है। ठीक है, तो सबसे हम अगर पहले कंपोनेंट देखते हैं, क्योंकि मोल्ड मेरा पूरा असेंबली में बना हुआ है, तो असेंबली में आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। तो ये आप देख पाओगे, ये जो कंपोनेंट है ना, यहाँ पे ये सबमर्सिबल का कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपकी क्या चलेंगे, गियर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपके थ्रेड है, थ्रेड चलेगा तो इसमें गियर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, नीचे तो कुछ नहीं है, नीचे इतना बड़ा सा यहाँ पे लिप्टर है, देखोगे कंपोनेंट में ये बहुत बड़ा लिप्टर है। यहाँ पे आपके थ्रेड है, ठीक है, यहाँ से आप देखोगे ना, यहाँ पे भी लिप्टर चलाना है, लेकिन लिप्टर चलाऊंगा तो ये डैमेज कर सकता है। तो कैसा मोल्ड है ये, इतना टिपिकल मोल्ड है। तो इस मोल्ड की आज कंप्लीट आपको बना के दिखाने वाला हूँ। तो मोल्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत कुछ चीजें आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे आपका ये स्लाइडर चलेगा, यहाँ पे आपके स्लाइडर चलेगा, इधर आपका स्लाइडर चलेगा। ठीक है, तो कंपोनेंट जो है, पहले एक कंपोनेंट को मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ, कंपोनेंट में क्या क्या है और कैसे बनाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले जो है, यहाँ पे आपको एक स्लाइडर चलेगा, यहाँ पे आपका स्लाइडर चलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो इस तरफ देख पाओगे, यहाँ पे आपकी थ्रेड्स है, थ्रेड्स मतलब यहाँ पे गियर आना है। ठीक है, दूसरी चीज आपको यहाँ पे जिस एरिया दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे इस एरिया में कितना बड़ा लिप्टर है, इस जो अंडरकट है, ये जो नीचे वाला जो ये अंडरकट है, इसको मैं कैसे निकालूंगा, इसका निकालने का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ आपका अंडरकट है, इस एरिया में भी लिप्टर चलाना पड़ेगा, ये जो एरिया है इसको निकालने के लिए, लेकिन लिप्टर चलाऊंगा क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है और यहाँ पे भी अंडरकट है। ठीक है, इसको लिप्टर पीछे चलेगा तो यहाँ पे ये डैमेज कर सकता है क्योंकि मेरा एरिया कम है। तो इस केस में, इस कंपोनेंट में कैसे बनाऊंगा, अगर इधर से देखता हूँ ना मैं, इधर से भी आपका अंडरकट है, तो ये भी आपको यहाँ पे भी देखो, मेरा कंपोनेंट कैसा है, दो कंपोनेंट ऐसा है, इधर मैं स्लाइडर नहीं चला सकता हूँ क्योंकि एक केबिटी के लिए मैं इतना पैसा तो खर्चा करूंगा नहीं, एक ही केबिटी बनाना है तो मैं इतना बड़ा मोल्ड में पैसा क्यों खर्चा करूंगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा इस मोल्ड, तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत कुछ सारा चीजें इसमें मैं बताने वाला हूँ। इसको भी इस तरीके से ट्रेनिंग चाहिए, नीचे नंबर मेंशन है, वहां पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसी तरीके से ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ, कंप्लीट आपको मोल्ड मिलेंगे, प्रैक्टिकली मोल्ड कराऊंगा आपको। तो यहाँ पे देख पाओगे इसको मैं कैसे बनाऊंगा, हर एक जगह में अंडरकट है। अगर आप इस डायरेक्शन में देखो अंडरकट है, इस डायरेक्शन में अंडरकट है, इस डायरेक्शन में अंडरकट है, इस डायरेक्शन में अंडरकट है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों को यहाँ से निकालूंगा, पहले कंपोनेंट को हम एनालिस कर लेते हैं। ये एक, अगर मैं यहाँ स्प्लिट कोर बना के इसको इधर निकालूंगा, इसको इधर निकालूंगा, इसको क्या करूंगा, फिर इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए मैं मोटर चलाऊंगा। ठीक है, इसके लिए फिर कोलैप्सिबल कोर चलाना पड़ेगा आपको। तो आज का जो मोल्ड है, इस मोल्ड में आप क्या सीखोगे, कोलैप्सिबल कोर कैसे लगाते हैं, थ्रेड वाला मोटर कैसे चलाते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके अंडरकट कैसे निकालोगे, ठीक है, यहाँ पे लिप्टर कैसे निकालोगे, इतना बड़ा लिप्टर। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने है, कहीं से नहीं जाना है आपको, पूरा लास्ट तक देखना है। मेरा आवाज जो है बहुत डाउन हो रखा है क्योंकि ऑलरेडी मेरे को टॉन्सिल हो रखा है, तो इसी वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं ले पा रहा हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखना, कुछ मिस मत करना। अभी मेरा एक तरीके से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जाके जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, लास्ट 2 स्टूडेंट बाकी है, कुछ ऑफर चल रहा है, आपको ऑफर मिल जाएगा और एडवांस मोल्ड डिजाइन वगैरह आप सीख पाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम असेंबली में आते हैं। ठीक है, इतना बड़ा मोल्ड बनाते हो ना, तो ये सिर्फ ध्यान रखना है, जब भी बनाओगे आपको असेंबली में बनाना है, असेंबली में नहीं बनाओगे पूरा सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा। तो बहुत बड़ा मोल्ड बनाओगे, अगर मोल्ड डिजाइन कहीं से भी सीख रहे हो, असेंबली में सीखो, बिना असेंबली में सीख रहे हो आपकी सारा पैसा बेकार, कहीं कुछ नहीं सीखने वाले हो। तो मोल्ड डिजाइन सीखना है ना, असेंबली में से सीखो। ठीक है, तो ऐसे उधर इधर सीखने से कुछ फायदा नहीं, सही सीखना है, ध्यान से सीखो, अच्छे से सीखो। तो सबसे पहला जो है, देखो ये मेरा मोल्ड बेस है। ठीक है, तो बाकी मैं सब गायब कर देता हूँ, ये मेरा मोल्ड बेस है, मोल्ड बेस तो आप बना ही लोगे, तो मैं मोल्ड बेस को भी गायब कर देता हूँ, पहले मैं कंपोनेंट को ले आता हूँ। अब कंपोनेंट के साथ पहला मेरा क्या आएगा, कोर के बीच इंसर्ट आएंगे, तो मेरा ये जो है मोल्ड के साथ कोर का इंसर्ट आ गया। ठीक है, अब कोर के इंसर्ट के साथ ये लिप्टर लगने वाला है ना, अब देखोगे इधर से, ये देखो यहाँ पे मेरे को लिप्टर चलाना है, तो लिप्टर चलाने के लिए मैंने यहाँ पे जगह बना कर रखा हो, ये मेरा हो गया केबीटी इंसर्ट। तो आप देखोगे ऊपर से मैं यहाँ पे केबीटी का भी इंसर्ट लगा रखा हो। ठीक है केबीटी का मैं इंसर्ट लगा रखा हो, तो यहाँ से मैं जो गेट दे रखा हूँ, ट्रिपलेट मोल्ड है मेरा, तो आप देख पाओगे ट्रिपलेट मोल्ड है, सीधा जो यहाँ पे हो रखा है, ऊपर मैं स्क्रू गुलर लगा रखा हूँ और यहाँ पे कूलिंग के लिए मैं ये बफेल दे रखा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा बफेल है, अगर मेरा बफेल दे रखा हूँ, ये मेरा कौन सी है, केबीटी बफेल है, और यहाँ पे मैं कोर का बफेल यूज करूंगा।
ठीक है। बफेल कूलिंग क्या होता है, अगर आपको सीखना है नंबर मेंशन दे, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में बफेल कूलिंग सिखाता हूँ, प्रैक्टिकली सिखाऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया कोर इंसर्ट, कैविटी इंसर्ट। तो कोर इंसर्ट का काम क्या हो गया, यहाँ पे कोर इंसर्ट को आपको अलग अलग पार्ट में बनाना है। अगर पूरा कंप्लीट मूल सीखना है तो नंबर मेंशन दे, वहां पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कंप्लीट मूल आपको सीखने को मिलेंगे। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा यहाँ पे स्लाइडर के बारे में। तो मैं यहाँ पे स्लाइडर को ले आता हूँ। यहाँ पे जो फिंगर कैम क्या होती है, कैलकुलेशन क्या होती है, कितना टॉलरेंस होती है, कितना डिग्री होता है, या प्रेशर प्लेट क्या करेगा, वेयर प्लेट क्या करेंगे, तो हर एक चीजें यहाँ पे स्टॉपर कैसे काम करेंगे, इसको स्टॉप कैसे करूंगा, लिमिट कैसे डिफाइन करूंगा, सारा कैलकुलेशन वगैरह से आपको मैं चार तरीके से स्लाइडर सिखाता हूँ। एक तरीके से स्लाइडर नहीं, चार तरीके से स्लाइडर। टी स्लाइडर कैसे चलता है, एंगल स्लाइडर कैसे चलता है, पिन स्लाइडर कैसे चलता है, ठीक है सर हम डबल स्लाइडर, मतलब स्लाइडर के अंदर स्लाइडर है तो इसको कैसे चलाऊंगा, वो भी मैं सिखाता हूँ। जिसको भी एडवांस क्लासेस ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन दे, वहां पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे फिंगर गेम के साथ यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे इंसर्ट डालना पड़ रहा है, इस तरीके से मुझे इंसर्ट डालना पड़ेगा। इंसर्ट क्यों डालना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो मशीनिंग एरिया है ना, आपको मैं यहाँ पे अगर दिखा देता हूँ, तो ये जो मशीनिंग एरिया है यहाँ पे आपको मशीनिंग नहीं कर पाओगे। इसको जो मशीनिंग करना होगा ना, इस तरीके से रख के मशीनिंग करोगे, है ना। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोड से मशीनिंग करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रोड से मशीनिंग करूंगा ना, तो इसको मुझे इंसर्ट डालना पड़ेगा यहाँ पे, इस तरीके से इंसर्ट से आपको काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, तो आपको इस तरीके से इंसर्ट लगाया काम करना पड़ता है। कौन सी एरिया को कैसे मशीनिंग करना है, रेफरेंस कहाँ से देना है, इसी तरीके से प्रैक्टिकली सीखना है ना, तो आप सीख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो स्प्लिट लगा रखा है, यहाँ पे हमने एक बार यहाँ पे हम लोकेटर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेटर लगा के इसको हम जो है लॉक कर लेते हैं कि मोल में जो फ्लैश की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो उसके बाद जो हम बात करते हैं स्लाइडर के बारे में, ठीक है। अब मेरा आता है यहाँ पे कोलैप्सिबल कोर स्लाइडर। कोलैप्सिबल कोर कैसे चलाता है, जैसे यहाँ पे मेरा दो कंपोनेंट है, यहाँ पे मैं चला रखा हूँ कोलैप्सिबल कोर। मैं बाकी को गायब कर देता हूँ, कोर को गायब कर देता हूँ, केबीटी को गायब कर देता हूँ। अब ये जो अंडरकट है ना, ये जो अंडरकट देख पा रहे हो, इस अंडरकट को कैसे बनाओगे, एक बार मैं कंपोनेंट में दिखा देता हूँ। इस अंडरकट को यहाँ पे जो ये अंडरकट है इसको कैसे बनाओगे, एक ये अंडरकट हो गया, एक ये वाला अंडरकट हो गया, दूसरा ये वाला अंडरकट हो गया, तीसरा आपका ये वाला अंडरकट हो गया। चलो आप इसको आप केबीटी में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको 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 आपको तो कोर में लेना ही है। इसी तरीके से अंडरकट को हम जो है कोलैप्सिबल कोर से निकालते हैं, या हम टी लिफ्टर से निकालते हैं। इस तरीके से आपको कोलैप्सिबल कोर सीखना है, इस तरीके से टी चलाना सीखना है, तो आप जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं कंप्लीट वीडियो बना रखा हूँ, 2 घंटे का वीडियो है कोलैप्सिबल कोर की, कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। नीचे नंबर मेंशन थे, वहां पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आज क्या सीखा, कोलैप्सिबल कोर सीख लिए, इस तरीके से बनाते हैं कोलैप्सिबल कोर में क्या क्या देखते हैं। आवाज डाउन है, मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा टॉन्सिल का प्रॉब्लम चल रहा है अभी भी। तो आपको कोलैप्सिबल कोर, स्लाइडर, और यहाँ पे इसे क्या है आपका इंसर्ट के बारे में आपको पता लग गया। अब हम बात करेंगे मेरा जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की हम इजेक्शन कैसे कर रहे हैं। देखो इजेक्शन करने के लिए मेरे पास यहाँ पे लिप्टर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या है, स्क्रू बुलर है, मैंने आपको बताया ट्रिपलेट मोल्ड है, स्क्रू बुलर है, ये मेरा क्या है इजेक्टर कलेक्ट है। यहाँ पे बताऊंगा इसके बारे में ये क्या होता है। बेसिकली दोनों प्लेट को खींचने के लिए काम आता है, लाइन एंड बूस्ट वगैरह भी हम लगा सकते हैं। इसका काम क्या है मैं इसको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा इजेक्शन सिस्टम है, आप देख पाओगे यहाँ पे लिप्टर चला रखा हो, और मैं लिप्टर के जो है देख पाओगे इस तरीके से मैं यहाँ पे लिप्टर चलाना पड़ेगा। इसके जो अब मैं कटआउट दे रखा हूँ ना, लिप्टर की फुटिंग है, यहाँ पे लिप्टर का फुटिंग देना पड़ता है। लिप्टर का फुटिंग नहीं देते हो तो बाद में यहाँ पे जो है पार्टिंग मोटा हो जाता है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए लिप्टर में फुटिंग देना पड़ता है। और यहाँ पे जो हम आपको मैंने लास्ट क्लास में कोकू कैसे बनाते हैं, हिल ब्लॉक कैसे बनाते हैं सिखाया मैंने आपको, लेकिन ये जो लिप्टर है थोड़ा अलग तरीके से है, सस्ते वाला लिप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिप्टर है आपको इस तरीके से इसको लिप्टर को बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है पिन से हम इसको इजेक्ट करेंगे। एक तरीके से लिप्टर यहाँ पे इजेक्ट करेंगे, दूसरा जो यहाँ पे पिन से इजेक्ट होगा आपका, क्लियर है। अब लास्ट मेरा इजेक्शन रहेगा यहाँ पे थ्रेड वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्रेड को कैसे इजेक्ट करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। यहाँ मैं थोड़े से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोशिश कर पा रहा हूँ, कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोग समझ लो जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो, कि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं क्लासेस में बहुत कोशिश करता हूँ कि सबको एक एक करके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप टॉपिक कॉन्सेप्ट क्या है पहले उसको समझो,
फिर कैलकुलेशन में कैसे बनाना है, फिर प्रैक्टिकली मशीनिंग कैसे करोगे उसको, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं। कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में आपको कम टाइम में बहुत कुछ चीजें समझा पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर का मैं इसको ले आता हूँ, इधर से गायब कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं जो एसेसरीज पार्ट है उसको ले आता हूँ, क्योंकि ये जो मिस असेंबली है, ये जो असेंबली है, यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट मैं स्टैंडर्ड यूज करूंगा और कुछ कुछ पार्ट जो है मैं ऑर्डर करूंगा। मिस असेंबली लाने से आपको ये पता लग जाएगा, यहाँ पे जो मेरा ये काम का नहीं है तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। मेरा काम का नहीं है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। आप देखोगे यहाँ से मेरा क्या होगा, हाइड्रोलिक मोटर चल रहा है, ठीक है। अब हाइड्रोलिक मोटर कौन सा मोटर चलवा रहा हूँ मैं, मोटर का भी टाइप आती है, अगर वो चीजें सीखना है आपको क्लास वगैरह ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक मोटर चल रहा है, इसका एक्चुएशन कैसे होगा, अगर इसके एक्चुएशन होगा मोटर चल रहा है, अगर मान लो मोटर आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है, इसको अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलाऊंगा तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, कंट्रोलर लगाऊंगा। तो कंट्रोलर कौन सी कंट्रोलर लगाती है, कितना टाइप का कंट्रोलर आता है, इतना डिटेल में सीखना है ना, तो आपको क्लास वगैरह ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ध्यान से देखते हो, यहाँ पे देखो जिस तरीके से मैंने लगा रखा हो, ये मेरा क्या है, इंसर्ट है, थ्रेडेड इंसर्ट, इसको आपको मशीनिंग करके बनाना पड़ेगा। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इसको डिसलोकेट नहीं होने देगा और इसके अंदर रोटेट होने में ये हेल्प करेंगे आपके। तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है इस तरीके से ये इजेक्शन होंगे, ठीक है। मोटर को मैं क्या है, इसकी कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन अगर आपको क्लास में मैं बता दूंगा इस तरीके से कैलकुलेशन से इसको बनाना पड़ता है। तो ये मोल्ड जो है कंप्लीट मोल्ड है, आई होप आपको मोल्ड के बारे में समझ में आ गया। समर्सिबल का मोल्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोल्ड है, इस मोल्ड में सीखने लायक बहुत है। अगर इस मोल्ड को करते हो तो आपके लिफ्टर की कॉन्सेप्ट पूरा समझ जाओगे, कोलैप्सिबल कोर कोला समझ जाओगे, स्लाइडर की कॉन्सेप्ट पूरा समझ जाओगे, इंसर्ट की कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, इंसर्ट के अंदर इंसर्ट होता है, इसकी मशीनिंग कौन सी होगा, लेट में होगा, वायर कट होगा, ईडीएम होगा, कैसे करेंगे, एक दूसरे के बीच में टॉलरेंस कैसे होगा, अगर मैं मोटर चलाता हूँ कौन सा मोटर लगाऊंगा, कंट्रोलर कैसे लगाऊंगा, कैलकुलेशन क्या होता है, पूरा चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मैंने कोशिश करा, मेरा आवाज भी नहीं निकल पा रहा है, फिर भी मैंने कोशिश करा जोर जोर के कि मैं इस वीडियो में कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं। मैं बहुत अपने अंदर से ट्राई कर रहा हूँ, मैं माफी मांगता हूँ अगर मैं कुछ सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है टॉन्सिल में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो एक तरीके से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रही है, तो बैच में जो है आपको हफ्ते में जो है 4 क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, 1 क्लास लाइव मिलेंगे उसमें। तो जल्दी से जल्दी जाओ, 2 सीट खाली है, कुछ ऑफर चल रहा है, फास्ट कम फास्ट बेसिस है। पहला जो ऑफर है अगर फुलफिल हो जाता है तो आपको वो ऑफर नहीं मिल पाएंगे, जल्दी से जल्दी जाके अपना कोर्स ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।